दोस्तों, जो लोग टारगेट स्टडी आईक्यू चैनल से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और मेरे लिए भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट खबर है। दोस्तों, यहाँ पर कल देखिए यूपी ट्रिपल एससी का लोअर पीसीएस का मेंस का एग्जाम हुआ था 2019 वाला, एंड यू विल बी शॉक्ड टू सी कि करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से आए हैं। और शायद मैं पूरे YouTube पर इकलौता ऐसा चैनल है हमारा जो कि एक एक क्वेश्चन को विद प्रूफ आपको दिखाने वाला है। और इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आपके पास में जिन लोगों ने पहले से हमारा पेड पीडीएफ खरीद रखा है उनके पास में हमारे पीडीएफ पहले से ही होंगे, वो चेक कर सकते हैं कि जो चीज मैं बता रहा हूं बिल्कुल सही है। मैं आपको दोस्तों पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी एग्जाम में आप मैच कर लो, एक दो क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं लेता क्योंकि हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो ऐसे डाले जाते हैं जो कि किसी से ना बने, मतलब बिना बेतुके क्वेश्चन होते हैं वो। तो यहां पर देखो, मैं आपको सारी चीजें दिखाने वाला हूं। मैंने अपनी पीडीएफ में बहुत रिसर्च करके देख लिया है कि कौन से मंथ में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। होता क्या है दोस्तों, हर एग्जाम में इतना हम लोग नहीं चेक करते हैं। यहां पर देखिए, ये मैंने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं और इसमें देखो अगर हम इस पे क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो ये देखो कि इस एग्जाम को 21 अक्टूबर को आयोजित किया गया है और इसके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सितंबर और अगस्त महीने से ही पूछे गए हैं, यानी कि ज्यादा पुराना करंट अफेयर्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। तो यहां पर देखो, जैसा कि मैंने लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 60 जो है ये अगस्त के महीने में है। तो क्वेश्चन नंबर 60 देखिए आ जाते हैं। ये देखिए, सबसे पहला यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि सुजलम योजना को 100 दिवसीय अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है। अब इसको अगर आप देखें तो हमारे में अगस्त के महीने में पेज नंबर 26 पर ये जो क्वेश्चन है मिलेगा। अब आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि हम देखिए, अब दोस्तों देखो ये 26 अगस्त का मैंने पीडीएफ ओपन कर दिया है। 26 अगस्त में जब मैं यहां पर नीचे आता हूं तो ये देखिए ये क्वेश्चन है और आ जाते हैं सीधे और नीचे आते हैं, सुजलम योजना वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए एग्जैक्टली दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम, मतलब इसमें लैंग्वेज भी डिफरेंस नहीं है, इसमें लैंग्वेज भी अलग नहीं है। आप देखिए, ये रहा एग्जाम का क्वेश्चन कि सुजलम योजना को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है और हमारा क्वेश्चन देखिए किस मंत्रालय ने सुजलम नाम से 100 दिनों की अभियान को शुरू किया है। तो देखिए आप देख सकते हैं लैंग्वेज का भी कोई ज्यादा चेंज नहीं है, सेम ये क्वेश्चन यहां पर आपको मैच होता दिख गया। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 64 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, ये इसमें क्वेश्चन नंबर 64 है, 10 ईयर दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले पहले गोल्फर कौन बने हैं। तो ये देखो 64 वाला जो क्वेश्चन है ये सितंबर महीने से पूछा गया है। तो हम अपने लैपटॉप पर देखिए सितंबर महीने वाला जो पीडीएफ है उसको ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा सितंबर मंथ का पीडीएफ और उसमें ये पेज नंबर है 146, पेज नंबर 146। तो पेज नंबर 146 पर हम लोग सीधे चलते हैं, पेज नंबर 146 पर। तो पेज नंबर 146 पर चलते हैं, ठीक है, पेज नंबर 146, ये रहा पेज नंबर 146। और आप ये देखिए, आप मतलब आप शॉक्ड हो जाएंगे किस तरीके से हम क्वेश्चंस बनाते हैं। देखो इसमें मेरे पीडीएफ में आप देखेंगे, आपके पास में भी पीडीएफ है वहां से आप भी चेक करो। सितंबर महीने में देखो मैंने ये क्वेश्चन कराया था कि दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने, आंसर हो गया जीव मिल्खा सिंह, उनका एक फोटो भी लगाया है। और क्वेश्चन पेपर देखो, क्वेश्चन पेपर में भी यही लिखा है कि 10 ईयर दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले विश्व का पहला प्रोफेशनल गोल्फर कौन बना है, आंसर है जीव मिल्खा सिंह। तो देखिए एग्जैक्टली ये मैच हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, इसमें है कि पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है, आंसर है अवली लेखारा। अब हमारे पीडीएफ में आप देखेंगे तो इसको हमने किया है क्वेश्चन नंबर 65, ये है सितंबर में पेज नंबर 85 में। तो हम इस अपने सितंबर के पीडीएफ पर आ गए और इसमें हम पहुंचे पेज नंबर 85।
अब दोस्तों होता क्या, हर एग्जाम में हम इस तरीके से चेक नहीं करते हैं। अगर हम चेक करेंगे तो आप मान लो कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचेगा जिसमें कि क्वेश्चन ना पूछा जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको ये देखिए, बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन कि किस पैरा एथलीट ने अभी रिसेंट में टोक्यो पैरालंपिक्स में 2 पदक जीते हैं। आंसर है अवनी लेखारा, है। और यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में तो उसमें भी देखो यही पूछा गया है कि 2 पदक किसने जीता है, आंसर हो गया अवनी लेखारा। अब इसमें देखो अगला क्वेश्चन है कि 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी, क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे सितंबर में पेज नंबर 168 में, तो सितंबर महीने में पेज नंबर 168 पर चलते हैं। तो पेज नंबर 168, तो यहां पर 168 पर आ गए। अब दोस्तों उन लोगों को पूरा बिलीव हो जाएगा जो लोग अभी भी डाउट में हैं कि सर के पीडीएफ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या नहीं। आप देख सकते हो क्वेश्चन पूछा गया है, आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन यहां पर दोस्तों पूछा गया है कि ये देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है कि 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी है। तो हमारा क्वेश्चन देखो हमारी पीडीएफ में क्या है कि 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की, आंसर हो गया भारत। और किस व्यक्ति ने करी है, तो जाहिर सी बात है भारत के प्रधानमंत्री ने की होगी। और उसको भी हम यहां पर देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है, ये देखो लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करी है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा डिक्टो यहां पर मैच करा दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66, 65, 64, 60 सारे क्वेश्चन हमने मैच करा दिए हैं। सिर्फ दोस्तों एक क्वेश्चन नहीं मैच हुआ है, कौन सा दिवस वाला, ठीक है, वो मैं एक्सेप्ट करता हूं कि वो क्वेश्चन मैच नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता है हर दिन एक दिवस होता है और दिवस के क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं कि कब कौन सा दिवस पूछ लिया जाए। उसमें भी हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं क्योंकि उस दिन हमसे गलती से दिवस का एक क्वेश्चन मैच मतलब छूट गया था। ये था कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 17 सितंबर को मनाया जाता है। बस ये वाला क्वेश्चन हम नहीं मैच करा पाए, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन अगर छोड़ दो तो 90% क्वेश्चन जब हमारी पीडीएफ से मिल रहे हैं, 90% से ज्यादा क्वेश्चन जब हमारी पीडीएफ से आपको मिल रहे हैं तो आपको कोई भी डाउट करने की जरूरत नहीं है, बहुत खुशी से आप इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं।